इसराइल की तरफ से जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। एक और खबर है लेबनन की राजधानी बेरूत में अब आईडीएफ के हमले को लेकर अलग अलग जगहों पर करीब 10 हमलों को लेकर खबरें सामने आ चुकी हैं और बहुमंजिला इमारतों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है उसके बाद आ रही इन तस्वीरों से एक बार फिर साफ है कि बेरूत में जारी इस ऑपरेशन के तहत अभी भी अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जा रहा है। हालांकि रिहायशी इलाके और बहुमंजिला इमारतें जिस तरीके से इसकी चपेट में आई हैं उसी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन आपके सामने लेबनन पर इसराइल के अब तक कितने हमले हुए हैं और ये हमले कितने अचूक हैं, कितने कारगर थे, इसकी एक डिटेल अब आपके सामने रख रही हूं। और हिजबुल्ला का खात्मा, नेतन्याहू का ये जो संकल्प है जिसके तहत वो ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए हिजबुल्ला के गढ़ में हमलों को अंजाम दे रहे हैं, बेरूत के दक्षिणी उपनगर दक्षिणी लेबनन में हमले और लेबनन की बेका घाटी में इजरायली हमलों को लेकर भी खबर है। अल हसन नाम के बैंक को भी यहां पर निशाना बनाया गया है। अलकर्द अल हसन बैंक की अलग अलग ब्रांचेस पर बॉम्ब गिराए गए हैं। अलकर्द अल हसन एक गैर लाइसेंस ग्रे मार्केट बैंक है और इस बैंक से हिजबुल्ला को जिस तरीके से फंडिंग होती है इसलिए इसे टारगेट किया गया है। और आईडीएफ ये दावा कर रही है कि बैंक को ईरान से भी पैसा मिलता है। सुमित, इसको लेकर आपसे सवाल जरूर करूंगी, उससे पहले एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगी क्योंकि दक्षिण बेरूत के लिए आईडीएफ के आदेश को लेकर भी एक खबर सामने आई है और खबर यह है कि दक्षिण बेरूत को खाली करने को कह दिया गया है। यानी अब आईडीएफ जिस तरीके से लोगों के लिए अलर्ट जारी कर रहा है उसको लेकर भी लगातार इनपुट मिल रहा है। हालांकि सुमित, आपकी यहां पर मौजूदगी पिछले कई दिनों में वहां पर वक्त वक्त पर बदलते हालात के तहत आपसे हम उस ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करते थे कि हिजबुल्ला के गढ़ को किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली अलग अलग स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए अब इसराइल खत्म करने का दावा कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं क्योंकि मैं खासतौर पे गाजा भी विजिट किया था जब ऑपरेशन चले थे और अल दाहिया के इस इलाके के अंदर भी पूरा विजिट किया है। दोनों में एक समानता है, दोनों में बहुत आप कह सकते हैं कि समानता है। पहला ये कि ये भी उसी तरीके से घना आबादी वाला इलाका है, हर बिल्डिंग के नीचे टनल है जो दूसरी बिल्डिंग को जोड़ती है, अपना एक अलग साम्राज्य, एक अलग आप कह सकते हैं कि लेबनन है, छोटा लेबनन, जहां पर पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है, हिजबुल्ला का राज चलता था। लेकिन अब इसका हश्र भी, इसकी तस्वीरें भी गाजा की तरह दिखने लग गई हैं, पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है, कुछ बड़ी इमारतें बची हैं, लगातार यहां पर इसराइल की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और अल हसन जिस बैंक की बात हम कर रहे हैं ये वो बैंक है जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ हिजबुल्ला को चलाने वाला बल्कि आप कहते हैं कि लेबनन के अंदर बाहर से आने वाली ब्लैक मनी या फिर करप्शन की चीज़ों को वाइट करना, इनिशिएट करना और उसको वापस भेजना, ये बहुत बड़ा काम करता था और इसकी ये कह सकते हैं बैकबोन थी पूरी उनकी 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 लॉजिस्टिक्स के लिए, उनके सामान के लिए, उनके बाहर से आने वाले फाइनेंसिस के लिए। तो इसको इसराइल टारगेट कर रहा है क्योंकि इसराइल को ये पता है कि अगर उन्होंने फाइनेंसिस को टारगेट नहीं किया, उनके फाइनेंसिंग चेन को नहीं तोड़ा तो निश्चित तौर पर हिजबुल्ला फिर से रिवाइव करेगा, फिर से उसके पास वेपन आ जाएंगे और उसने दोबारा से अपना सेटअप तैयार कर लेना। तो निश्चित तौर पर इसराइल उनके लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, सभी चीजों को टारगेट कर देना चाहता है। लेकिन जो बात आपने शुरुआत में कही है प्रोफेसर कुमार, उसी आधार पर आपसे सवाल करूंगी कि अगर हम यहां दक्षिण बेरूत का भी क्या हाल गाजा जैसे ही होने वाला है, उस सवाल से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल कि दक्षिण बेरूत में आखिर क्या होने वाला है स्पेकुलेशंस के आधार पर लगाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसमें यह साफ हो गया कि दक्षिण बेरूत के 5 इलाके हिजबुल्ला के ठिकानों के तौर पर आइडेंटिफाई किए जा चुके, चिन्हित किए जा चुके हैं और आईडीएफ को यह शक है रिहायशी इलाकों में भी हिजबुल्ला के लड़ाके छुप कर ऑपरेट करते आए हैं। हालांकि इसकी बकायदा तस्वीरें जारी करते हुए भी दुनिया के सामने यह सबूत रखा गया कि कैसे अपने अलग ही टनल नेटवर्क और रिहायशी इलाकों में शरण लेकर हिजबुल्ला ऑपरेट कर रहा है। इन्हीं इलाकों में भारी तादाद में हथियार छिपाए गए, हिजबुल्ला दक्षिण बेरूत में आज फिर एयर स्ट्राइक भी कर सकता है। लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आईडीएफ ने फिलहाल कहा है कि एयर स्ट्राइक से नागरिकों की जान गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अब प्रोफेसर कुमार, क्या ये भी गाजा जैसी स्थिति सेम नजर आ रही है और ये उसी हालात पर आगे बढ़ता रहेगा युद्ध? देखिए सुरभि, इसकी काफ़ी संभावना है क्योंकि जानते हैं कि अगर केवल मिसाइल अटैक के माध्यम से इसराइल वहाँ पे जो हिजबुल्ला हैं या जो उनके जो फोर्सेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। डिस्ट्रॉय कर भी दिया कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को तो फिर से वो, चूँकि हिजबुल्ला एक तरह से इस ढंग का ऑर्गेनाइजेशन है कि उसमें बहुत सारे लोग शामिल बहुत तरीके से होते हैं, तो फिर से वहाँ पर इमर्ज कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हिजबुल्ला को कंट्रोल करना, अगर सच में कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनको वहाँ पर भी ग्राउंड स्ट्राइक भी करने की आवश्यकता पड़ेगी।
होगी, और उसमें आप जानते हैं कि लगभग 25 लाख का पॉपुलेशन बेरूट का, उसमें अगर साउथ, और यह भी मान के चलें कि केवल साउथ बेरूट पे जहाँ पे कि हिजबुल्ला का घर है उससे वो बेरूट पे या हिजबुल्ला पे काबू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ में चले जाएंगे, दूसरे इलाके में चले जाएंगे, तो वैसे में काफ़ी संभावना बनती है कि गाजा जैसी स्थिति वहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन इसकी भी संभावना है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और यह भी है कि उस बेरूट पे ग्राउंड फोर्सेस या उस ढंग के अटैक करने से पहले ईरान के साथ उनका युद्ध शुरू हो जाएगा, तो काफी संभावनाएं हैं अभी, और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इजराइल की स्थिति भी काफी खराब होती जा रही है जिस ढंग के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं। प्रोफेसर कुमार सुमित बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। तो लगातार बिगड़ते इन हालात के बीच में मिल रहे संकेत के आधार पर हमारे सहयोगी और एक्सपर्ट हमें यह बता रहे थे कि इजराइल अगर इस तरीके के बयान दे रहा है, दुश्मन के खात्मे की बात कर रहा है, तो अगला टारगेट उसका ईरान हो सकता है। ऐसे में उसी तैयारी को लेकर आज खबरें आई।